मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। स्विट्जरलैंड में मस्ती कर रहे हैं तैमूर, करिश्मा ने शेयर की तस्वीरें। छोटे नवाब तैमूर अली खान स्विट्जरलैंड में फैमिली संग वेकेशन पर हैं। तैमूर के साथ साथ करीना, करिश्मा और सैफ अली खान वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, सब कुछ गुड न्यूज़। बता दें करीना कपूर की फिल्म गुड न्यूज़ 27 दिसंबर को रिलीज हुई है। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। करिश्मा ने कैप्शन के जरिए इसी ओर इशारा किया है। तैमूर इन छुट्टियों का जमकर मजा ले रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों पर वो स्नो कॉमेट के साथ नजर आए। इस मौके पर सैफ अली खान भी करीना के साथ मस्ती के मूड में दिखे। दोनों एक दूसरे के साथ पोज में नजर आए। तीनों भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद स्विट्जरलैंड रवाना हुए हैं। क्रिसमस में फैमिली गेट टुगेदर की तस्वीरें करिश्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों संग तैमूर की फोटो भी शेयर की थी। कुणाल खेमू ने भी करीना और सैफ संग क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की थी। इसमें कुणाल और सोहाली खान भी साथ थे। अमिताभ बच्चन को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन रविवार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ये अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। इस सेरेमनी में अभिषेक बच्चन और जया बच्चन भी साथ मौजूद रहे। पिछले दिनों अमिताभ खराब तबीयत होने की वजह से 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में शामिल नहीं हो पाए थे। ये सेरेमनी 23 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। अमिताभ को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की खबर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा सितंबर में ही घोषित की जा चुकी थी। बता दें अमिताभ बच्चन अब तक 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। उन्हें पिछली बार फिल्म पीकू के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये फिल्म 2015 में आई थी। वर्क फ्रंट पर अमिताभ बच्चन पिछली बार रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आए थे। उनकी अपकमिंग फिल्मों में ब्रह्मास्त्र, गुलाबों से ताबूत, चेहरे और झुंड शामिल हैं। आलिया भट्ट ने शुरू की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग। आखिरकार आलिया भट्ट के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि एक्ट्रेस ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू कर दी है। ये पहला मौका है जब आलिया भट्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में वैनिटी डोर दिखाई दे रही है और उस पर गंगूबाई लिखा है। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, देखो इस साल सेंटा ने मुझे क्या दिया। कियारा आडवाणी ने छोड़ दी वरुण धवन की फिल्म मिस्टर लेले। शशांक केतान के साथ वरुण धवन एक बार फिर काम करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का नाम मिस्टर लेले है। हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म में वरुण के साथ कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि कियारा ने फिल्म छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि कियारा को कई फिल्मों के ऑफर्स आए, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उन्होंने अन्य फिल्मों को डेट्स नहीं होने के कारण छोड़ दिया है। अब लगता है कि फैंस को वरुण और कियारा की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। पिछली बार कियारा वरुण की जोड़ी को फिल्म कलंक के गाने फर्स्ट क्लास में देखा गया था। कैलिफोर्निया की बर्फीली वादियों में निक का हाथ थामे दिखी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के प्यार के चर्चे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक छाए रहते हैं। प्रियंका और निक के बीच का प्यार, बॉन्डिंग और जबरदस्त केमिस्ट्री फैंस को कपल गोल्स देती है। इन दिनों लव बर्ड्स प्रियंका और निक जोनस कैलिफोर्निया की बर्फीली वादियों के बीच हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। प्रियंका और निक अपने रोमांटिक हॉलीडे से लगातार तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट पर हर जगह प्रियंका और निक की तस्वीरें छाई हुई हैं। वेकेशन की नई तस्वीर में प्रियंका और निक सिमिलर आउटफिट में एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका और निक के चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। क्रिसमस के स्पेशल मौके पर निक ने उन्हें स्नो मोबाइल भी गिफ्ट किया था, जिसकी राइड करते हुए प्रियंका ने कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वर्क फ्रंट पर प्रियंका चोपड़ा अभी अपनी अगली फिल्म द वाइट टाइगर की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ लीड रोल में राजकुमार राव है। कुशल पंजाबी का हुआ अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड टीवी स्टार्स। मशहूर एक्टर कुशल पंजाबी की अचानक मौत की खबर से टीवी से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी सदमे में हैं। महज 37 साल के कुशल ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कुशल पंजाबी का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। टीवी के कई सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट्स और मॉडल डायंड्रा सॉरेस कुशल के अंतिम संस्कार में दिखाई दी। कुशल के करीबी दोस्त करणवीर बोहरा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कुशल को आखिरी बार अलविदा कहने पहुंची एक्ट्रेस कुबरा सैद के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। मशहूर टीवी एक्टर चेतन हंसराज अपने करीबी दोस्त के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए।
रश्मि देसाई के एक्स हस्बैंड नंदीश संधू भी कुशल को श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। सावधान इंडिया फेम सुशांत सिंह भी कुशल के अंतिम संस्कार में पहुंचे। टीवी एक्ट्रेस जसवीर कौर कुशल के अंतिम संस्कार में काफी भावुक नजर आई। अंतिम संस्कार में बख्तियार ईरानी अपनी पत्नी तनाज ईरानी और बहन डेलनाज के साथ पहुंचे। कहा हम कहा तुम फेम एक्टर करण वीर ग्रोवर भी कुशल के अंतिम संस्कार में उन्हें आखिरी बार विदा करने पहुंचे। मधुबाला फेम एक्ट्रेस दृष्टि धामी भी कुशल के अंतिम संस्कार में नजर आई। टीवी एक्ट्रेस एबिगेल शर्मा भी कुशल के अंतिम संस्कार में दिखाई दी। कुशल पंजाबी की खुदकुशी पर अक्षय कुमार ने जताया अफसोस। जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता कुशल पंजाबी की सुसाइड की खबर ने मनोरंजन जगत को सकते में डाल दिया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी उनकी मौत पर अफसोस जताया है। अक्षय कुमार ने कहा, मैंने भी कुशल पंजाबी के साथ काम किया है, मेरी एक फिल्म में वो भी थे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, हमें नहीं पता कि लोग आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि समस्याओं का सामना करो, जिंदगी को बस यूं ही खत्म मत करो, बहादुर होना बहुत जरूरी है। अक्षय कुमार ने डिप्रेशन की पृष्ठभूमि पर ही एक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा, हमें हालात से लड़ने की जरूरत है, डिप्रेशन पर काम करने और उससे डील करने की जरूरत है। अगर मुझे कभी डिप्रेशन पर फिल्म बनाने का मौका मिला तो मैं इस पर जरूर एक फिल्म बनाना चाहूंगा। 2019 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस। बीते दिनों गूगल ने 2019 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की लिस्ट जारी की। इनमें बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम भी शामिल थे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो नाम है तारा सुतारिया। तारा सुतारिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया था। तारा फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन में काम कर चुकी हैं। अब तक उनकी दो फिल्में आई हैं, पहली स्टूडेंट ऑफ द ईयर और दूसरी फिल्म मरजावा, जिसमें उन्होंने गूंगी लड़की का किरदार निभाया है। गूगल की इस लिस्ट में अगर एक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जिस एक्टर को सर्च किया गया है वो है विकी कौशल। विकी कौशल अपनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से इंटरनेट पर छाए रहे। गूगल की टॉप 10 लिस्ट में विकी ने 5वें स्थान पर जगह बनाई। फिल्म गुड न्यूज को लेकर बोले सलमान खान। अक्षय कुमार की हालिया फिल्म गुड न्यूज़ की तुलना अपनी फिल्म दबंग 3 से किए जाने पर सलमान ने कहा कि सभी की फिल्म को अच्छी कमाई करनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए लाभजनक है। जब सलमान से पूछा गया कि क्या वो ये देखकर खुश हैं कि उनकी फिल्म दबंग 3 की तुलना में उनकी समकालीन फिल्म की कम नंबरों के साथ ओपनिंग हो रही है, इस पर सलमान ने कहा, इसमें इतना अच्छा क्या है, अक्षय कुमार की फिल्म को मेरी फिल्म से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर अक्षय की फिल्म अच्छी कमाई के साथ शुरुआत करती है तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी और ऐसा होना एक अच्छी बात है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ मेरी फिल्म या अक्षय या शाहरुख की फिल्म की बात नहीं है। मैं कहूंगा हम सभी की फिल्मों की शुरुआत अच्छे अंकों के साथ हो क्योंकि इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। मायापुरी न्यूज एयर में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।